but must not be any maker. Today we are going to very lately play plants is on the internet now. Let's start. जी हाँ गाइस, आपका इंट्रो में जी हाँ गाइस भी लगा लिया सर, खैर कोई बात नहीं। और अब हम खेलने वाले हैं क्योंकि हम लेवल 5 तो हम जीत गए थे, लेवल 6 नामक चीज़ हमसे जो हो नहीं पाई थी। सो आज हम लेवल 6 नामक चीज़ को ही हम खलास करने वाले हैं, इसका पर्दा पूरा फाश करने वाले हैं। और ये अभियान निकर्स के घर में जो घुसेगा वो पिटेगा। और सबसे पहले मुझे ये तो चाहिए चाहिए, ये तो मैं लेके रहूँगा, पिछले बार में जो मैंने गलती की थी। एंड दिस वन मैंने स्टॉप तो करना ही पड़ता है सबको। अल्लू तो चाहिए ही चाहिए, देख लो और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना। मेरे ग्रेव व्रेव तो कोई आई नहीं है। अबे आ गई, मुझे लगा नहीं है यार ये पंगा होता है इनका। एक इसको लगा देते हैं एंड ये स्क्रीन रिकॉर्डर को किधर लाऊं, ये जगह परफेक्ट है कोने में बिल्कुल घुसा के। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर की जो है छोड़ो, अब ये पता नहीं कहाँ से आने वाले हैं। तो आए तो पिछली मतलब की तरह बेवकूफ़ी की तरह नहीं खेलने वाले, हम खेलने वाले हैं इस मतलब दिमाग से। आपका पास छोटा दिमाग तो है ही नहीं, मेरे पास तो छोटा दिमाग ही नहीं है, मेरे पास तो है बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। ओके आई होप कि आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। एंड दिस वन एंड गई, इतनी सर्दियाँ चल रही है ना, स्क्रीन पर हाथ फेरना इतना मुश्किल हो चुका है कि बस। और नीचे से रिकॉर्ड आ रहा है, उसके लिए हम सिक्योरिटी लगा देते हैं। एंड ये जल्दी जल्दी दो यार, दो क्या तुम लोग को काम के लिए लगाया, जल्दी यार जल्दी करो थोड़ा सा। एंड देखो और के लिए भी रेडी है, बस यार टोपी पोपी वाले ना आ जाए, ठीक है। टोपी पोपी वाले ना वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, टोपी पोपी वाले। टोपी पोपी क्या नाम रखा है मैंने भी, वाओ आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड। और एक इसके लिए जोम्बड़ू, के लिए जोम्बड़ू, वाओ क्या नाम है जोम्बड़ू, मैं ऐसा मुझे जोम्बड़ू बुलाएंगे जोम्बड़ू। पहले मैंने कपारू ऐसे कुछ नाम रखा था, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, अब से इनका नाम है जोम्बड़ू। आज जोम्बड़ू सिक्सअप करने वाले हो, नाइस वाओ। अब गए इनकी, अब मैं थोड़े से इनके पास हजाम करने वाला हूँ। ओके सो अब ज़रा मुझे कुछ और पावर मिलेगी क्या आपसे महाराज साहिब। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एक हेयर, और बस कोई जल्दी से एक और दे दो यार, थैंक यू मैन। ओके अब हमारे पास पिछले वर्ष की तरह कोई गलती नहीं है, बहुत ही ज़रा मक्खन गेम चल रही है अभी हमारी, और मक्खन ही चलेगी वैसे, नहीं बताओ कोई लॉजिक बनता नहीं है। चलो खैर छोड़ो। एंड एक और आ चुका है हमारा ये, ताकि बंदों को फोड़ सके पिल से। ओ भाई ये तो आगे कैसे आ गया, आगे आता है और मैंने कहा था गाइस मैं मेम ऐड करने की बड़ी कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे मेम ऐड करने की पूरी कोशिश नाकाम गई। जी हाँ, ओ नो 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 नो, आलू बस कोई जल्दी से एक पावर दे दे प्लीज़ प्लांट्स, प्लीज सनफ्लावर्स, यू आर ओनली माई वन होप, थैंक यू भाई। सबसे ऊपर वाला मेरे लिए बड़ा लकी है। और अब ये लो डबल पावर लो, एनर्जी का डबल डोज। और ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, दो दिन से मैं कहाँ था, सो मैं था घर में बस एक घर में ही होते हैं सब, लेकिन हम हैं सबसे अलग, हम थे घर में। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अभी ये आलू आई होप के संभाल ले, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट, ओके ये आलू टूटने वाला है इसलिए मैं पहले से ही रेडी हूँ। थोड़े से आलू को जल्दी से तोड़ लो, जल्दी से तोड़ दो, टाइम नहीं, जल्दी से आलू को तोड़ दे लो, यही नहीं बचा, ये तोड़ेगा कौन फिर अब जो जहाँ से आएगा वो पिटेगा। सिर्फ इस टोपी वाले के लिए मैं थोड़ी सी और सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, टोपी वाले की भी सिक्योरिटी कैसी की तैसी हो गई, टोपी वाला भी गया ऊपर वाले के पास, गुड हो गया भाई साहब थोड़ा सा। और अब अगर किसी के एक पूरा हॉर्ड आ जाए ना, जिसमें एक वो हो जाए क्या नाम है, जिसके सबसे तेज़ है, मैं सिर्फ अपनी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, देखते जाइएगा।
और मेरी भी सबसे ऊपर जो सीरीज चल रही है मेरी माइनक्राफ्ट की, और इसलिए मैं माइनक्राफ्ट को ज़्यादा ही जल्दी जल्दी पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मुझे मेरी माइनक्राफ्ट खेलना बड़ा पसंद है, नहीं बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पसंद। बस अगर कोई मुझे एक पावर और दे दे तो फिर मैं बड़ा खुश सा हो जाऊँगा, एक जस्ट वन। थैंक यू साहब जी। एंड अब हम ये एक ऊपर फॉर ट्रिपल सिक्योरिटी, क्योंकि ऊपर तो मुझे पता है किसी के आने की हिम्मत नहीं होने वाली। ओके जो आएगा, और नो गाइस जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही कर दिया इन्होंने, गुड हो गया थोड़ा सा। और मुझे पता है स्टॉपी वाले को रोकना कैसे है, हम इसको ये कर देंगे ताकि इनकी थोड़ी सी आपस में फाइट हो जाए, अब जो फुटबॉल वाला है वो जल्दी से मर जाए। ओ नो यार ये पग्गा गलत हो गया इनका, ये लो यार लग जाओ यार, अब लग जाएगा। अब बोले क्या बात हो गई। नो यार ये आगे निकल गया, ये आगे निकल गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, बस यार मैं एक भी गाड़ी लूज नहीं करना चाहता था। चलो तो खैर हो गई तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बड़े बड़े शहरों में तो जज्बातें होती रहती हैं। तोड़ तू उसको, तोड़ वाला खुद बढ़िया तोड़, शाबाश चल ऐसे उसका पता बंदा बना दिया। कि अब ये मुझे मिले कुछ अजीब सा मशरूम है, ये एक तो उसमें सारा मशरूम मशरूम मिल जाएगा, बड़ा मशरूम भी बड़ा लॉन्ग रेंज शूटर डेड हाइट्स एक तो हमेशा का है, हमेशा का है, हमेशा का है, हमेशा का। मैन भाई काटे सा जल्दी से, थैंक यू। लॉन्ग रेंज शूटर डेट हाइड्स वेन एनिमीज गेट नियर इट स्केयर्ड इशू, यानी जिनको चाहे मार सकते हो कोई इसको छुएगा भी नहीं। ओ माय गॉड, यानी इसको कभी कोई मार ही नहीं पाएगा। बहुत दूर दूर से फायर करता है लेकिन जब इसके पास कोई आता है तो ये छुप जाता है, यानी कोई इस पर से मार ही नहीं पाएगा। और मेरे ख्याल से पता नहीं कुछ गिलिच सा हो चुका है। ओके सोच गिलिच के साथ थोड़ा पंगा हो गया था। और यहाँ में कुछ यहाँ पे कांटेदार सा फ्लावर मिलने वाला है, सब ज़रा खेलते हैं ये वाला। और शुक्र है इस पर गिलिच नहीं हुआ। एंड जी मेरे ख्याल से कोई अच्छा है, जब इसके पास आएंगे तो छुप जाएगा, मैं इस बात से समझ रहा हूँ कि फिर ये मारेगा नहीं और दूसरा आके इसको मार देंगे। सो आई डोंट थिंक ये कोई इतना बेस्ट रहने वाला है, सो दैट्स व्हाई मैं ये एंड ये लेने वाला हूँ। ये नहीं खैर अभी, हाँ खैर स्लो करने वाले तो चाहिए ही होंगे, आलू तो भाई मस्ट है। एंड व्हाट्स मोर कुछ भूल रहा हूँ मैं, चलो नए वाले को यूज भी कर लेते हैं। ओह नो यार मैं बुद्धू बनाने वाला लेना ही भूल गया। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। यार मुझे ग्रेव वस्त्र भी चाहिए होगा, ये तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं कर दिया हमला पानी अपना। एक आ भी आए, आ जाओ और ज़रा हम, अरे इतना यार अब ज़रा हम इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं क्या कर रहा है ये इतनी दूर। वाह गुड हो गया भाई साहब, पर तो मैं ये ना लगा दूँ। हाँ लेकिन जब कोई इसके करीब आएगा तो छुप जाएगा ना, पर फ़ायदा क्या, लेकिन बुरा नहीं है भाई साहब, ये सच्ची कह रहा हूँ मैं, घेर देते नहीं कि लाइन पिटाना तो पर सभी को पड़ेगा भाई। जल्दी एक और दे दे, मैं एक वो लगा दूँ सनफ्लावर, और ये सनफ्लावर का लगाने देंगे पहले इनके बचाव के लिए, ये तो लगा दूँ। अब कोई दे जल्दी से मुझे एक भाई, जल्दी दे यार टाइम नहीं पड़ता। थैंक यू भैया, सब कैसा खेला। अरे मैं चाहता है 25 वाला ऊपर लगा दे लेकिन यहाँ पे सनफ्लावर नहीं आ पाता, इसे कहते हैं बड़ा दिमाग। एंड अगेन मैं यही टेक्निक आजमाने वाला हूँ। वैसे कहीं से कोई टगड़े वाला है, टोपी वाला है, बाल्टी वाला, खैर बाल्टी वाला तो नहीं आएगा क्योंकि बाल्टी वाला दिन में आता है क्योंकि दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी होती है, तो बाल्टी का क्या काम। वाओ व्हाट अ जोक, इस जोक के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और नीचे से हादसा होने जा रहा है गाइस, जी हाँ बहुत ही खतरनाक वाला हादसा होने वाला है, और हादसा होने से पहले बचाव हादसे के लिए ज़रूरी है। सो ज़रा हम स्टॉप वाले के लिए
इसकी नानी दिलाने का बंदोबस्त कर लेते हैं पहले से, एंड बंदोबस्त और भी कुछ ज़्यादा, ताकि यार जब कोई ये ट्रॉफी वाला करीब आएगा तो ये तो छुप जाएंगे डरपोक कहीं के, और इनके छुपना इनकी कमज़ोरी बन सकता है। अबे यार नहीं, छुपना मत, अभी कोई भी मत छुपना, ओके? डरते नहीं है किसी से, डरते तो दुश्मन है, ओके? ये बात, डरना नहीं चाहिए, डरो मत, लड़ते रहो। वाह, ओके मैन, अभी थोड़ा सा मामला पानी, मैं पता नहीं हमेशा अलग तरीके से क्यों खेलता हूँ। और बस ये हुई बात, खैर अब सनफ्लावर्स की हमारी वो तो पूरी हो चुकी है, अब मैं चलूँगा फुल पावरफुल तरीके से। मेरे पास 10,000 रुपये अभी हो चुका है, हम बहुत ही अमीर बन चुके हैं, अमीर। सो सर्वेंट सर मेरे लिए गिलास पानी सर्व करना, कौन है यहाँ पर सर्वेंट? हाँ मेरे सर्वेंट उगे हुए हैं सारे के सारे। और अभी हम इन्हीं से जीतने वाले हैं, जो कि दीज आर लुकिंग टू मच बेस्ट। ओ नो यार, अभी उन्होंने थोड़ा सा पंगा कर दिया है, तो डबल डबल की इनकी पूरी लाइन लग गई ना, सभी गए, मैं कह रहा हूँ सब गए, कुछ ना बचेगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, लग जा भाई क्या, और उसकी पावर भी बहुत तेज तेज है, इट्स वेरी गुड हैबिट माइन। जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो। और मैं आलू को लगा देता हूँ, कितने लगाए आलू को सबसे पहले भाई सर, अपने किसको निकाल के यहाँ पे आलू लगा देते हैं, लेकिन मुझे पता है जब इस ग्रेव से कोई स्पॉन होगा खतरी सा बंदा, सो यार ना ना ना, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है अब क्या होने वाला है, जो नहीं जानते आई थिंक वो भी अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। ये चुटके उनके कपड़ों से बंदे नहीं निकले, ओ मुझे लगा कब्रों से निकलने वाले हैं सारे। वाह भाई साहब यार, देख तो उनके नशे करके आए हैं सारे। हाँ चलो छोड़ो, ए वे के लगा देते हैं हम, स्लो फॉलिंग, स्लो फॉलिंग स्लो फॉलिंग, वाह गाइस। खैर अभी भाई साहब, अब तो भाई साहब ये पूरी लंका लग गई सबकी, एंड लगा देते हैं थोड़ा सिक्योरिटी, जो हमारे फौजी साइड खड़े हुए हैं ये नकली फौजी, और जो पीछे वाले वो हैं असली फौजी, और जो सबसे पीछे सनफ्लावर्स है वो हमारे ट्रेनर्स, और जो पिंक वाला है वो हमारा मिलिट्री पावरफुल, और जो ग्रीन वाला है वो हमारा इन सबका सरदार। बस मैं सच में बोलूँ, मुझे आलू की बड़ी ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि आलू बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता है यह अखरोट है तो मैं इसको आलू बोलता हूँ, आलू आई मीन ये आलू जैसे ही लगता है दिखने में, 50-70-80% लोग तो समझ ही जाएंगे कि आलू है, आलू ही बोलते होंगे लोग इसे, मुझे लगता है कितना कोई गहरा चांस, अच्छा खासा चांस तो होगा। कुछ ज़ॉम्बी तो ज़बान अपने बाहर निकाल के आते हैं, सबसे नीचे वाले को देखो ज़बान निकाल के आया हुआ था, ये देखो एक सेकंड लाइन में देखो ज़बान निकली हुई उसकी और कुछ होते जो अपने तीन दांत दिखा के आ रहे होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, और इनके दांतों से गंदी बदबू आती है, बुरी भी नहीं करते। वाओ गाइस, अब मुझे पता है एक आलू किधर काम आएगा, एक आलू इधर काम आएगा, क्योंकि अब जब कब्रों से ये लोग कुछ अजीब से स्पॉन होंगे ना, अजीब से तो नहीं खैर पावरफुल से स्पॉन होंगे ना, सो ये कहेंगे पहली फुर्सत में निकल, एंड ओ नो इधर की बड़ी बेकार सिक्योरिटी है फोर्थ लाइन की। सो अगर मैं लाइनों की बात करूँ, सबसे ऊपर वाली लाइन उसको हम बोलेंगे वन, उसके नीचे वाली टू, उसके नीचे वाली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके? तो जो फोर्थ लाइन है ना उसकी सिक्योरिटी भाई साहब बड़ी गंदी है, बहुत बेकार सिक्योरिटी है उसकी यार, ये ग्रेव आके ना सारा का सारा मज़ा ख़राब कर रही है, एंड ओके और अब आने वाला है सबको प्रेजिडेंट, कॉम्स द डबलर, क्योंकि डबलर सबका तबला बजा देता है सच्ची। अच्छा ये छुप जाता है, ऐसे छुपता है, ओके छुपू लाल, ओके मैम सब बहुत मजा रही और मजा आ रही, ये क्या होता है, खैर जो भी होता है, खैर ये मैंने खैर भी सीख लिया कहीं से भाई, चलो और गए 78% लोग अनसब्सक्राइब, ये क्या हो रहा है,
ओके गाइस, नहीं अभी जीते नहीं है, अभी नहीं जीते, क्योंकि अब जो होने वाला है, अब जो होएगा वो मंजूर है खुदा। ओके सब आ चुके हैं। वाह वाह, निकल जाओ अपने घरों से बाहर आओ मैन। ओह नो गाइस, ये बच चुकी है तबाही वाले फाइट। आई डोंट थिंक ये तो गए। नो मैन नो, सिंसियरली नो, आई हैव नो आंसर। व्हाट द हेल, नो 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 नो। अबे नहीं यार, ये यार पंगा हो गया यार, थोड़ा सा एक तो लगा देता कि सब ठंडा उन्ना तो करता रहे, ये मारता भी तो रहे सबको। मुझे पता है कि अब ये लाइन तो गई ऊपर वाले के पास, ये वाली लाइन फोर्थ लाइन तो गई फोर्थ। और नो, सब के सभी डर के बैठ गए। क्या यार डरपोक कितने हो, ये डर गया, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए यार। तुमसे बेहतर तो मैं ही हूँ, मैं किसी से डरता तो नहीं हूँ। खैर भूतों को छोड़कर, जी हाँ मैं भूत से बहुत डरता हूँ। भूत आके जब मुझे काट लेता है ना, तो डायरेक्ट ऊपर वाले के पास जाते हैं। ओह जी हाँ, ये वाला लेवल भी होता है हमारा कंप्लीट में मिलता है, ये आइस वाला। लास्ट मॉन स्टैंडिंग, लास्ट मॉन स्टैंडिंग, ये कौन सी अचीवमेंट है। खैर जो भी तो मिल चुकी है, और ये पता नहीं क्या मिला है हमें, है क्या ये। टेम्पोरली इमोबिलाइज ऑल ज़ॉम्बीज एट द स्क्रीन, हैं। ओह नो, ये तो कुछ ज़्यादा ही भूत लग रहा है, भूत नंबर टू। खैर अभी हम जरा इसके बारे में पढ़ते ही हैं क्या। यू कॉन्स, ओके गाइस, यानी ये पूरी जितनी भी स्क्रीन होती है, जितने भी समय होते हैं, सबको एक जगह स्टे करवा देता है, सबको ठंडा कर देता है। ओके सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।